हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ श्रीसिंह भाटी। आज का टॉपिक है हमारा फोबिया। फोबिया का मतलब होता है डर, फियर, इरेशनल और इरेशनल जो किसी ऑब्जेक्ट के प्रति जो हमें डर लगेगा या जो भय लगेगा उसे कहते हैं हम फोबिया। इसमें अलग अलग है, यानी किसी सुंदर लड़की से डर लगना, शादी से डर लगना, हाइट से डर लगना, ओपन स्पेस में जाने से डर लगना, पब्लिक के अंदर डर लगना, अलग अलग तरह के जो डर होते हैं इरेशनल और इलॉजिकल जो फियर होते हैं किसी ऑब्जेक्ट के प्रति उसे कहते हैं फोबिया। इसमें ये 17 तरह के जो फोबिया होते हैं, यानी किसी से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को स्नान करने से डर लगता है, किसी को काटने से डर लगता है, किसी को निडल से डर लगता है, किसी को तलवार से या सांप इंस्ट्रूमेंट से डर लगता है। तो अलग अलग जो फोबिया होते हैं, ठीक है, ये होते हैं 17 तरह के। ठीक है, सबसे पहले होता है अगोरा फोबिया। अगोरा का नाम ही मतलब से अगोरी बाबा, यानी किसी ओपन स्पेस में जाने से डर लगना। अगोरा का मतलब क्या होगा? ओपन स्पेस। किसी भी ओपन स्पेस में जाने से डर लगता है उसे कहते हैं हम अगोरा फोबिया। सेकेंड आता है सोशल फोबिया। ठीक है, सोशल फोबिया का मतलब होता है कोई भी पब्लिक एक्टिविटी, यानी किसी सोसाइटी के अंदर पब्लिक एक्टिविटी, यानी किसी वो पब्लिक के अंदर बैठा है और उसको टॉयलेट लगी है तो उठेगा नहीं, सोचेगा भी कि सब पब्लिक के अंदर, मैं कम्युनिटी के अंदर बैठा हूं, अगर मैं उठूंगा तो सब मेरे ऊपर हंसेंगे। और वो साई ब्लेडर, इसका मोस्टली इफेक्ट होता है साई ब्लेडर, वो बैठा रहेगा और बैठ जाएगा, यानी अंदर ही कर लेगा लेकिन उठ के बाहर जाके नहीं करेगा कि सब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ठीक है, लोगों की मेरे बारे में क्या राय होगी कि ये क्या कर रहा है, ये पब्लिक के अंदर बैठा है फिर भी उसको पता नहीं है क्या, ये अपने बारे में ऐसे ही थिंकिंग करेगा, यानी इरेशनल और इलॉजिकल फियर होगा इसके अंदर कम्युनिटी के प्रति भी, सोसाइटी के अंदर बैठा हूं पब्लिक के अंदर मैं एक्टिविटी कैसे करूंगा। जो अगोरा फोबिया होता है ना, ये मोस्ट कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन पाया जाता है ये अगोरा फोबिया, यानी ओपन स्पेस से डर लगता है। ठीक है, सोशल फोबिया यानी पब्लिक के अंदर कोई भी एक्टिविटी करने से डर लगता है। एक होता है जू फोबिया। जू फोबिया का मतलब होता है एनिमल से, यानी जानवरों से डर लगता है, वो जानवरों से दूर रहेगा, भले कोई भी जानवर हो, जानवरों से दूर रहेगा उसे कहते हैं हम जू फोबिया। एक होता है एल्बिटोफोबिया, ये नॉर्मली आलसी लोगों में पाया जाता है, लेकिन ये कोई उनके अंदर आलस होता है ये फोबिया नहीं होता है। फोबिया का मतलब होता है स्नान से डर ही लगता है उनको। बाथिंग, यानी स्नान करने से डर लगना, यानी साफ सफाई से उसको डर लगता है, वो गंदा रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसको बाथिंग से डर लगता है। ये कौन सा है? एल्बिटोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है वाटर से। जिनको रेबीज की डिजीज होती है, रेबीज यानी कुत्ता काट लेगा और रेबीज हो जाता है ना, उसमें ये होता है हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगता है उसको। क्योंकि जब वाटर होता है ना, जो रेबीज होता है, रेबीज के अंदर क्या होता है, वैसो स्पास हो जाएगा, जो ये स्पास में हो जाएगी मसल्स, ठीक है, इसोफेगस की स्पास में हो जाएगी, तो ये स्वलोइंग के अंदर प्रॉब्लम होती है वाटर को, इसलिए जानवरों में ये डर लगता है वाटर से। कौन सा है? हाइड्रोफोबिया। ठीक है, एक होता है बालथनोफोबिया और ट्राइफेंटोफोबिया। बालथनोफोबिया ये होता है निडल इंजेक्शन से, निडल इंजेक्शन से डर लगता है। इन दोनों को क्या कहते हैं? बालथनोफोबिया और ट्राइपैंटोफोबिया। ठीक है, सेकंड आता है इंसेक्टोफोबिया, यानी इंसेक्ट से डर लगता है, काटने से डर लगता है इंसेक्ट से, नाम से इंसेक्ट हो तो इंसेक्ट से, कीड़े इंसेक्ट से उनको डर लगेगा, उसे कहते हैं इंसेक्टोफोबिया। ठीक है, एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया का मतलब होता है हीट से। एक्रोफोबिया का मतलब डार्कनेस, अंधेरे से डर लगता है। ठीक है, अंधेरे से डर लगेगा, यानी रात को भी वो उसको कुछ भी हो जाए वो रात को बाहर नहीं जाएगा, अंधेरे में नहीं जाएगा अकेला बिल्कुल भी, उसे कहते हैं एक्रोफोबिया। कुछ नहीं है लेकिन उसको ऐसा लगेगा भी कि मैं अंधेरे में जाऊंगा कोई मेरे को उठा लेगा। ठीक है, तो वो होता है एक्रोफोबिया, यानी अंधेरे से डर लगता है।
जीनोफोबिया, जीनोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया, एसिटोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया होता है, क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है क्लोज स्पेस, क्लोज स्पेस से डर लगता है, ठीक है। इंसेक्टोफोबिया का मतलब इंसेक्ट से डर लगता है। एक्रोफोबिया का मतलब डार्कनेस, अंधेरे से डर लगता है। क्लोस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है क्लोज स्पेस, ठीक है, यानी किसी को एमआरआई करवानी है तो भी उसको डर लगेगा कि हाँ भाई एक क्लोज स्पेस होना चाहिए। इसका एक तो होता है ये सोशल फोबिया, यानी कम्युनिटी के अंदर, पब्लिक के अंदर वो एक्टिविटी नहीं करेगा कोई भी। क्लोस्ट्रोफोबिया का मतलब क्लोज स्पेस, क्लोज होना चाहिए, क्लोज स्पेस से डर लगेगा उसको, यानी एमआरआई का जो पार्ट होता है, जो रूम होता है वो छोटा होगा ना, तो उसके अंदर उसको डर लगेगा कि यहां मेरे को कोई नुकसान करेगा मेरा, तो उन्हें होता है कौन सा, क्लस्ट्रोफोबिया। एक होता है जीनोफोबिया, स्ट्रेंजर पर्सन से डर लगता है, कोई भी अनजान पर्सन आ गया तो उसे डर लगेगा। ये नॉर्मली होता है बच्चों के अंदर कि ये मेरे को उठा लेगा, यानी कोई अगर मां के पास कोई बच्चा है और कोई दूसरा लेने की कोशिश करेगा तो उनमें होता है जीनोफोबिया, वो डर जाएंगे और चिल्लाने लगेंगे, यानी क्राई करनी शुरू कर देंगे। क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब क्लोज स्पेस से। एसिटोफोबिया, एसिटोफोबिया का मतलब हाई वॉइस, वॉइस से उन्हें डर लगता है, यानी आवाज से, तेज आवाज से उन्हें डर लगेगा, कौन सा होता है, एसिटोफोबिया। इकाइनोफोबिया, इकाइनोफोबिया के अंदर होता है सांप, इंस्ट्रूमेंट, सांप इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। सांप इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है तलवार हुआ, धारिया, यानी जो भी ये सांप इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, कटने के जो डर लगता है भी ये इससे मेरे को काट देंगे, मेरे को मार डालेंगे ये लोग, तो उन्हें डर लगता है किससे, इकाइनोफोबिया, ठीक है। इसमें होता है सांप इंस्ट्रूमेंट से इन्हें डर लगेगा। नोजोकोमियल फोबिया, यानी हॉस्पिटल से ही डर लगेगा, क्या हॉस्पिटल में जाऊंगा मेरे को बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाएंगे, मैं बीमार हो जाऊंगा, किससे लगता डर, हॉस्पिटल से, हॉस्पिटल से जो डर लगता है कि मैं हॉस्पिटल में जाऊंगा तो मेरे को बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाएंगे, मैं बीमार हो जाऊंगा, ठीक है, और वहां मेरे को पकड़ के मेरा इलाज करेंगे, मेरे साथ मेरे को हानि पहुंचाएंगे ये लोग, तो ना होता है हॉस्पिटल के प्रति, यानी हॉस्पिटल में इन्फेक्शन होगा, जो हॉस्पिटल के अंदर जो इन्फेक्शन होता है, एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है हॉस्पिटल के अंदर, उसे कहते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नॉर्मल मेनली होता है जो यूरिनरी सिस्टम के पर, तो यूरिनरी सिस्टम में, और सेकेंड कौन सा होता है नोजोकोमियल रेस्पिरेटरी सिस्टम के, ठीक है। फर्स्ट है नोजोकोमियल फोबिया, हॉस्पिटल में जाऊंगा तो मैं बीमार हो जाऊंगा, तो ये फोबिया होता है उसे कहते हैं नोजोकोमियल। हाइट से, हाइट से जो डर लगता है पेशेंट को, डर लगता है हाइट से कि इतनी ऊंचाई पे ऊपर नहीं जाएगा और नीचे ही खड़ा रहेगा, क्योंकि सब चले जाओ मैं नहीं जाऊंगा, उसे लगेगा कि मैं हाइट के ऊपर जाऊंगा मैं गिर जाऊंगा, मेरे को नुकसान होगा, तो कौन सा होता है, एक्रोफोबिया, ठीक है, एक्रोफोबिया। एक होता है एक्यूलोफोबिया, एक्यूलोफोबिया होता है डार्कनेस से, अंधेरे से डर लगता है, उसे कहते हैं एक्यूलोफोबिया। और एक्रोफोबिया का मतलब होता है हाइट से डर लगता है, जैसे क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब क्लोज स्पेस से, जबकि सोशल फोबिया का मतलब होता है पब्लिक के अंदर एक्टिविटी। अब होता है गैमोफोबिया, गैमोफोबिया होता है मैरिज से डर लगना, किसी को शादी से ही डर लगता है कि शादी करूंगा मैं फंस जाऊंगा मैं, ठीक है, और मेरा कुछ हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, वो होता है गैमोफोबिया, शादी से डर लगता है उसे कहते हैं गैमोफोबिया, ठीक है। एक होता है कैलिग्नोफोबिया, कैलिग्नोफोबिया का मतलब होता है किसी भी ब्यूटीफुल गर्ल से, यानी किसी सुंदर लड़की से डर लगता है उसे कहते हैं कैलिग्नोफोबिया। वापिस हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एगोराफोबिया मतलब ओपन स्पेस से डर लगता है, किसी ओपन स्पेस में डर लगता है उसको, और ये मोस्ट कॉमनली पाया जाता है। तो अगर फोबिया हम पूछे तो मोस्ट कॉमनली कौन सा फोबिया होता है, तो एगोराफोबिया। सेकंड होता है सोशल फोबिया, पब्लिक एक्टिविटी के अंदर उसको डर लगेगा, उसे कहते हैं हम सोशल फोबिया। थर्ड है जू फोबिया, जानवरों से डर लगता है उसे कहते हैं जू फोबिया। एल्ब्यूटोफोबिया, यानी स्नान करने से, यानी क्लीनिंग से डर लगेगा, बाथिंग से डर लगता है उसको।
हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है पानी से डर लगता है। बाल्थनोफोबिया और ट्राइपैंटोफोबिया निडल और इंजेक्शन से जिन्हें डर लगेगा, इन दोनों से बाल्थनो और ट्राइपैंटोफोबिया कहते हैं उनको। इंसेक्टो यानी इंसेक्ट से डर लगता है उनको, इंसेक्टोफोबिया। एक्यूलोफोबिया यानी डार्कनेस अंधेरे से डर लगता है उन्हें, एक्यूलोफोबिया। जीनोफोबिया का मतलब स्ट्रेंजर पर्सन अनजान पर्सन से उन्हें डर लगता है, उन्हें कहते हैं जीनोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया यानी क्लोज स्पेस से उसे डर लगेगा पेशेंट को, उसे कहते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। एसिटोफोबिया ज्यादा वॉइस यानी ज्यादा आवाज आवाज से उन्हें डर लगेगा, वो है एसिटोफोबिया। इकाइनोफोबिया, इकाइनोफोबिया का मतलब होता है सांप इंस्ट्रूमेंट से, तलवार से डर लगता है, और जो सांप इंस्ट्रूमेंट से डर लगेगा वो होता है इकाइनोफोबिया। नोजोकोमिन फोबिया हॉस्पिटल में डर लगेगा, अभी जाऊंगा इन्फेक्शन हो जाएगा। एक्रोफोबिया ऊंची ऊंचाई से डर लगता है उन्हें, हाइट से डर लगता है। गैमोफोबिया शादी से डर लगता है, शादी नहीं करेगा वो। कैलिग्नोफोबिया, कैलिग्नोफोबिया का मतलब किसी सुंदर लड़की से डर लगता है उसको, ब्यूटीफुल गर्ल से। ये थे फोबिया और उससे रिलेटेड कुछ बातें। थैंक यू टू सी।